व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने वर्कआउट से गो थ्रू करवाऊंगा और पूरी रॉ फीलिंग दिलवाऊंगा कि मैं कैसे घर पे इस लॉकडाउन के टाइम पे वर्कआउट कर रहा हूं। और यूजुअली ठीक है, जब मैं वर्कआउट करता हूं, ये मेरा रूम है, ठीक है, गाने चलाता हूं फुल मस्त वॉल्यूम पे, बट अभी बिकॉज वीडियो बना रहा हूं थोड़ी सी वॉल्यूम मैं कम कर रहा हूं। ये रहा रिमोट, और वॉल्यूम करेंगे थोड़ी सी कम, बंद नहीं कर रहा भाई, फिर फील नहीं आएगी इतनी, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने होम वर्कआउट्स को भी ढंग से सीरियसली लो, क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं तो वो सोचते हैं कि बिकॉज हम होम वर्कआउट कर रहे हैं और होम वर्कआउट उतने अच्छे नहीं होंगे जितने जिम में होते हैं, तो वो सीरियसली भी नहीं करते। बट ये चीज बिल्कुल गलत है। जब मैंने पहला वर्कआउट करा था होम वर्कआउट जब इस टाइम पे, तो मैं भी इतना सीरियसली नहीं कर पाया था, बट धीरे अब जब मैं रेगुलर कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि घर पे भी तगड़े वर्कआउट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसलिए मैं अपनी अप्रोच बहुत ही प्रॉपर और प्रोफेशनल रखता हूँ। जिम जाता हूँ तो वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करता हूँ, सिमिलरली घर पे वर्कआउट करने से पहले मैं करता हूँ अपना वार्म अप, जो मैं जिम में करता हूँ बेसिक लाइक स्ट्रेचेस मैं घर पे भी करता हूँ। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीरियसली लेने लग जाओ और तरीके से अपनी अप्रोच रखो, मज़ा आएगा, पक्का आएगा। जो करेंटली मेरा एक्सरसाइज का रूटीन चल रहा है, दैट इज अ फुल बॉडी रूटीन। आई एम डूइंग फुल बॉडी एक्सरसाइजेस एवरी डे, बिकॉज एक बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं भाई, मशीन्स नहीं है, डंबल्स हैवी नहीं है, बारबल्स नहीं है, तो लिमिटेशंस हैं। इसलिए द बेस्ट अप्रोच इज डू फुल बॉडी ट्रेनिंग एवरी डे। और फुल बॉडी नहीं भी करना आपको तो आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो, बट द बेस्ट लाइक द बेस्ट अप्रोच इज डूइंग फुल बॉडी वर्कआउट्स एवरी डे, एंड दैट्स द वे आई एम डूइंग। मैं 6 से 7 दिन वर्कआउट करने लग गया हूं, पहले मैं सोचा था कि 6 दिन करूंगा, बट मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। तो 7 दिन मतलब नो रेस्ट। और अब आज मैं आपको पहले दिखाता हूं कि जो मेरे डंबल्स हैं, ठीक है, ये देखो, ये है मेरे डंबल्स, ये है 12-12 किलो के, ये 3 किलो की प्लेट है, ये 2 किलो की है, तो 5-5-10, और ये 1 से 2 किलो की होगी, तो 12 किलो लेके चलते हैं। 12-12 किलो के 2 डंबल हैं, एंड आई एम ग्लैड मेरे पास ये डंबल है। 2 साल पहले मैंने खरीदे थे और आज ये यूज़ में आ रहे हैं फाइनली। और मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इन डंबल्स को ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि जब आप इन्हें ऐसे करते हो तो यहाँ से प्लेट गिर सकती है, और काफ़ी लोगों के साथ ही हुआ हुआ होगा। एंड आई अंडरस्टैंड वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो आप डंबल्स लेते हो उसमें ये जो लॉक होता है ये बेकार क्वालिटी का होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आप लॉक देखोगे, एक सेकंड इस साइड वाला दिखाता हूँ, लाइट आएगी, ये जो लॉक है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो मतलब बढ़िया हिसाब है, इसमें ये गिरेगा नहीं, बहुत टाइट है। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि मैं फुल बॉडी रूटीन कर रहा हूँ एवरी डे, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं चेस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ टू मेक श्योर कि मेरी एक चेस्ट में मस्त वाला पंप आ जाए, और आई मेक श्योर कि इंटेंसिटी हाई रहे और मेरा एफर्ट जो है वो लग रहा है बढ़िया वाला, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्टिन्यूस बैक टू बैक एक्सरसाइजेस। तो शुरुआत में मैं करूंगा पुशअप्स, और पुशअप्स सबसे बेसिक है। और मैं पहले आपको बता दूं कि पुशअप्स 2 तरीके से होते हैं, एक हो गया ये पूरा, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट पुशअप, जिसमें हम पूरा ऊपर आते हैं, एंड दिस इज मतलब ऐसे आप कर सकते हो, और मुझे पता है काफी लोगों के कॉमेंट्स आएंगे कि भाई स्ट्रिक्ट करो, पूरा ऊपर आओ, बट जब हम पूरा ऊपर आते हैं लाइक दिस, तो आपकी अपर वाली जो मूवमेंट है उसमें ट्राइसेप एंगेज होती है, एंड आई एम नॉट ट्रेनिंग माई ट्राइसेप्स स्पेसिफिकली, मैं अपनी चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, और अगर मैं फुल स्ट्रिक्ट पुशअप्स मारूंगा तो मैं ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं कर पाऊंगा। तो माई गोल इज टू ट्रेन माई चेस्ट, तो मैं लाइक 70% तक कुछ कह सकते हैं मैं ऊपर आऊंगा इस तरीके से। आई विल बी डूइंग लाइक दिस, इतना ऐसे में करूँ, ऐसे में करूँ, ऐसे में कर लेता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, गो। आइडिया इज नॉट कि पूरा मतलब एक्सट्रीम फेलियर तक जाओ, बट हाँ मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा एफर्ट लगने लग गया था, थकने लग गया था। और अगली एक्सरसाइज, रेस्ट नहीं लेना, मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बट फटाफट डंबल उठाओ, ठीक है, लाइक दिस। सबसे पहले करना है हैक्स प्रेस, डंबल्स दोनों आगे से दिखा, आगे से दिखा,
डंबल्स दोनों ऐसे जोड़ दो, ठीक है, नीज वो मतलब पैर मैंने ऐसे मोड़े हैं, डंबल जोड़ दिए, चेस्ट आउट, ठीक है, टच गो, टच गो, छः उसके बाद नॉर्मल डंबल प्रेस, ठीक है, यूजुअली हम जिम में जो करते हैं दैट इज मतलब हम डंबल प्रेस बेंच पे कर सकते हैं, और इसको जब फ्लोर पे कर रहे हैं इसको फ्लोर प्रेस कहते हैं, फट गई। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा खत्म हो गया होगा बट अभी खत्म नहीं हुआ, जो फाइनल एक्सरसाइज है दैट इज डंबल फ्लाई, ठीक है, और रखने से पहले बता दूं कि जरूरी नहीं है आपको डंबल ऐसे टच करना है, कुछ लोग कहते हैं जरूरी नहीं है, आप ऊपर से ले आओ दैट्स इनफ, ऐसे करने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो फट गई। हाँ सो गाइस, ये चार एक्सरसाइज एक सेट बनाती है, ऐसे मैं 3 से 4 सेट कर रहा हूँ एवरी डे, रोज कर रहा हूँ, एंड पहले कुछ दिनों में तो खतरनाक वाली सोरनेस हुई थी, एंड ये आप डेली अगर कर रहे हो, सपोज हमारा 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है, 1.5 महीने का हो रहा है, 2 महीने का हो रहा है, आप ये रोज़ कर लो, उसके बाद आप जिम जाओगे आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि यू हैव बिन आउट ऑफ टच, कि आप ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। खतरनाक से भी खतरनाक एक्सरसाइज का ये पूरा क्या बोलेंगे सर्किट है, फाड़ देगा, मजा आ जाएगा। गाइज मेरा पहला सेट हो चुका है और मैंने गाने की वॉल्यूम डेलिबरेटली कम करी हुई थी क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, बट एक प्रॉपर अगर मैं फील दूं कि मैं कैसे वर्कआउट करता हूं तो मैं गाने लगाता हूं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इतने तेज में करता हूं, ज्यादा तेज भी नहीं कर सकता क्योंकि फिर दूसरे रूम में मम्मी पापा बैठे हैं, वो फिर आ जाएंगे मेरे को सुनाने कि भाई आवाज कम कर, बट समथिंग लाइक दिस इज द एम्बियंस। अब मैं अगला सेट करूंगा एंड आई एम ऑल पंप्ड, लेट्स गो। भाई 2 सेट हुए और वाट लग गई है गलत वाली, 3 से 4 सेट में यू विल बी डिस्ट्रॉयड, और ये सिर्फ मेरी पहली एक्सरसाइज है मेरे फुल बॉडी रूटीन की, आई एम डूइंग दिस एवरी डे, और वाट लग जाती है, कैमरा पकड़ने में भी हाथ में दर्द हो रहा है, और किसने बोला भाई होम वर्कआउट करने हैं तो ईजी करने हैं, आप चाहो तो मुश्किल बना सकते हो बट ओनली इफ़ यू वॉन्ट इट, ठीक है, आपकी अप्रोच अगर ढीली है कि होम वर्कआउट है कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई आराम से कर लेंगे, काफ़ी लोग शो ऑफ के लिए भी कर रहे हैं, एक सेकेंड वॉल्यूम कम करता हूँ क्योंकि बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या कर रहा था, काफ़ी लोग शो ऑफ के लिए भी कर रहे हैं कि भाई एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल लेंगे, यूट्यूब पे डाल लेंगे, मज़ा आएगा, बट कितने लोग हैं
जो रिलीजियसली एवरी डे फॉलो कर रहे हैं. आई एम डूइंग इट, नॉट फेकिंग इट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डूइंग इट एवरी डे. इंस्टाग्राम पे भी रोज स्टोरीज डाल रहा हूँ और अभी मैं पूरा वर्कआउट करूँगा फुल बॉडी. ये सिर्फ मैंने आपको अपना चेस्ट का रूटीन दिखाया, एंड इफ यू वॉन्ट मैं हर बॉडी पार्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुछ टिप्स दे सकता हूँ कैसे आप मेक श्योर कर सकते हो कि मज़ा आया आपको उस बॉडी पार्ट ट्रेन करने में, और जब आप ये सब खत्म होने के बाद वापस जिम जाओ तो आपको एकदम से स्ट्रेंज लगे, भाई क्या हो गया, हमने कितना कुछ मिस कर दिया. मतलब आपको ऑब्वियसली जिम वाला वर्कआउट मैच नहीं कर सकते क्योंकि जिम जिम है भाई, जिम जिम है, ठीक है. आई मिस इट, आप भी मिस कर रहे हो, बट आपको घर पे एज बेटर एज पॉसिबल जितना आप कर सकते हो वो करना है. मैं कर रहा हूँ, आपको टिप्स चाहिए आगे वाले वीडियो में और भी दूंगा. और लेट मी गेट बैक टू माई रूटीन. और हाथ में दर्द हो रहा है, कैमरा पकड़ते हुए भी. नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ लेग्स वर्कआउट के बारे में आपको दिखाऊँ. ओनली इफ यू लाइक दिस वीडियो, चाहिए तो बताना. आई नो शॉर्ट वीडियो है बट आई एम किलिंग इट, नो एक्सक्यूजेस भाई. रियल लाइफ ये टेस्ट होता है. जिम में बॉडी बनाना आसान नहीं होता, बट स्टिल बहुत लोग जाते हैं. घर पे कितने लोग कर रहे हैं ये बताओ, कितने? मैं कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो कॉमेंट्स में नीचे बताना. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जीभ लप 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 लपा रही है. वर्कआउट करने दो भाई.